स्वागत है आपका, मैं हूं सार्थक और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों कल घर में हुआ था कैप्टेंसी टास्क, जिसको मनु पंजाबी ने जीत लिया। लेकिन इस कैप्टेंसी टास्क के दौरान घर में काफी ज्यादा बहसबाजी हुई है और उनमें से एक बहस हुई है जैस्मिन और एजाज के बीच में। वैसे तो मामला थोड़ा रुबीना और अभिनव को भी छूता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल घर में जब कैप्टेंसी टास्क चल रहा था तो अभिनव शुक्ला और रुबीना कुछ भी इनपुट्स अपने गेम में दे नहीं रहे थे, जिसपे की एजाज ने कहा कि यार तुम लोग कुछ तो करो, कितने दिन तुम लोग सेफ होके खेलते रहोगे, हम काफी लंबा सफर करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब इतना भी सेफ गेम खेलने की जरूरत नहीं है, अपना पर्सनालिटी दिखाओ और अपने फैंस को बताओ कि तुम शो में क्या कर सकते हो और क्या दिखा सकते हो। जिस पर कि रुबीना ने कहा था कि हमें पता है कि तुम फिनाले वीक में पहुंचने के बाद तुम काफी ज्यादा घमंडी हो गए हो और हमें पता है कि तुम वक्त आने पे पलट भी जाओगे। और इसी बीच जैस्मिन कहती है कि हाँ, पवित्रा ने भी ये बात कही थी मुझे। बेसिकली जैस्मिन का कहने का मतलब ये था कि एजाज खान पे बिल्कुल भी ट्रस्ट किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो वक्त देखकर अपना रोल बदल लेते हैं। और इसके बाद भी जैस्मिन वहाँ पे रुकी नहीं, उन्होंने बाहर निकल के ये बोला कि मुझे तो नहीं लगता कि एजाज और पवित्रा के बीच में शायद कुछ होगा भी। वैसे इस बात का तो खुलासा एजाज ने किया नहीं है कि उनके और पवित्रा के बीच चल क्या रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि पवित्रा घर से बाहर निकलने के बाद एजाज खान के लिए कर रही है और उनके सपोर्ट में वोट्स भी मांग रही है। पर दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको एजाज खान और पवित्रा की जोड़ी कैसी लगती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।